नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल विधानसभा चुनाव में मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक 10 दिन बाद हिमाचल में सरकार का फैसला हो जाएगा। तूफान आने से पहले की खामोशी में डूबे राजनीतिक दल या तो जश्न में होंगे या फिर मातम में। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े के पार पहुंचना राजनीतिक दलों की बड़ी मजबूरी है, और ये आंकड़े किन कड़ियों से जुड़े हैं इस पर नजर डालें तो सबसे अहम है आरक्षित सीटें, जिन्हें साधे बगैर सत्ता पर काबिज होना मुमकिन ही नहीं। प्रदेश में 20 सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश में 3 जनजातीय दर्जा हासिल सीटें हैं, तो 17 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 68 विधायकों वाले सदन में इन 20 सीटों में से जो भी पार्टी अब तक 12 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करती रही है, उसे ही हिमाचल में सरकार बनाने का मौका मिला है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 पर कब्जा जमाया था और कांग्रेस के हिस्से में महज 5 ही सीटें आई थी। इनमें से जनजातीय क्षेत्रों की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी, जबकि किन्नौर की एकमात्र सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई थी। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 4 और बीजेपी 13 जीतने में कामयाब रही। 2012 के चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 17 में से 10 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा महज 6 सीटें जीत पाई थी, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। अनुसूचित जनजाति वर्ग की 3 सीटें कांग्रेस के कब्जे में आई थी, यानी 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 20 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन सीटों की बदौलत कांग्रेस सत्ता के लिए निर्धारित आंकड़े तक पहुंच पाई थी। कांग्रेस ने 2012 के चुनाव में 36 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 26 सीटों पर सिमट गई थी। साफ है, सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी आंकड़ों में से ये सीटें काफी अहम रहती हैं। फिलहाल मतदान हो चुका है, इंतजार 8 दिसंबर को परिणाम आने का है। लेकिन इन परिणामों में जो भी राजनीतिक दल आरक्षित 20 सीटों पर ज्यादा सीटें जीत पाएगा, उसे इस बार हिमाचल में सरकार बनाने का अवसर मिलना तय है। आरक्षित सीटों पर मतदान, राजनीति गलियारों में मतदान के प्रतिशत की भी खास अहमियत रहती है। जीत या हार के आंकड़े मतदान के औसत से तैयार होते हैं। इस बार के चुनाव में आरक्षित सीटों पर चुरहा में 78.29%, इंदौरा में 72.38%, जैसिमपुर में 65.31%, बैजनाथ में 63.46%, आनी में 73.89% और करसोग में 76.53%, नाचन में 79.31%, बल में करीब 77%, भौरंच में करीब 68%, चिंतपूर्णी में 73.19% और झंडुता में 73.86%, जबकि सोलन में 66.84%, कसौली में 78.28%, पच्छाद में 78.3%, श्री रेणुका जी में 78.91% और रामपुर की बात करें तो 73.25%, जबकि रोहड़ू में करीब 72%, और जनजातीय क्षेत्रों में भरमौर में 71%, किन्नौर में करीब 72% और लाहौल स्पीति में 73% मतदान हुआ है। आरक्षण का आधार जनसंख्या 2011 की जनगणना में प्रदेश की कुल आबादी 68,56,509 सामने आई थी। इनमें से 17,29,252 अनुसूचित जाति, 3,92,126 अनुसूचित जनजाति, 9,27,452 अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या थी। 50% आबादी सामान्य वर्ग की थी। इसमें 72% राजपूत और करीब 18% ब्राह्मण दर्ज हुए। प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाति आधार के आंकड़ों पर ही आरक्षण तय किए गए हैं। तो खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।